दृष्टि नाउ न्यूज, नजर हर खबर पर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची छवि रंजन की अध्यक्षता में मांडर विधानसभा उपचुनाव के सफल संचालन हेतु अहम बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय सभागार में आयोजित इस बैठक में उपायुक्त ने मांडर उपचुनाव हेतु गठित कोषांगों के वरीय और नोडल पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त छवि रंजन ने निर्वाचन कोषांग, कार्मिक कोषांग, ईवीएम कोषांग, वाहन कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग, मटेरियल कोषांग, व्यय अनुश्रवण कोषांग, प्रेक्षक कोषांग, एमसीसी कोषांग, मीडिया कोषांग, डाक मतपत्र कोषांग समेत सभी 18 कोषांगों के वरीय एवं नोडल पदाधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल और मानसून को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना तैयार कर कार्य करने का निर्देश दिया। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का भी निर्देश दिया गया। आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोषांग को संचालित करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को अधिकृत किया गया है। विधि व्यवस्था के संधारण हेतु एडीएम लॉ एंड ऑर्डर तथा एसडीएम रांची को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। वाहनों के परमिशन हेतु निर्वाची पदाधिकारी मांडर विधानसभा को अधिकृत किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि मतगणना केंद्र के मतगणना हॉल में कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से ही पूरी तैयारी करने की व्यवस्था करनी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में कितने काउंटिंग हॉल की आवश्यकता होगी, इसका आकलन भी करने का निर्देश दिया गया। कोविड उचित व्यवहार के अनुपालन हेतु सभी कोषांग के वरीय एवं नोडल पदाधिकारियों को आवश्यकता के आकलन करते हुए सामग्रियों की मांग उचित माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मानसून को देखते हुए मटेरियल कोषांग को विभिन्न कोषांगों को सामग्री उपलब्ध कराने हेतु पूरी व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया। सभी 429 मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। स्टैटिक सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम की क्रियान्वय और लगातार मॉनिटरिंग का भी निर्देश दिया गया। कार्मिक कोषांग के वरीय पदाधिकारी को आवश्यकता अनुसार कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। प्रशिक्षण कोषांग, वेबकास्टिंग कोषांग, सी विजिल सहायता एवं शिकायत निवारण कोषांग, सिंगल विंडो कोषांग, डाक मत पत्र कोषांग, पीडब्ल्यूडी कोषांग को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। देखिए, निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अनाउंसमेंट के बाद से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो गया और उसके बाद से जो कंप्लायंस करने होते हैं वो सारे किए जा रहे हैं। मांडर विधानसभा क्षेत्र में सभी कोषांगों का गठन कर दिया गया है। ईवीएम की एजेंसी जो है वो एक तरह शुरू होने वाला है, उसके लिए सूचित किया जाएगा। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्सपेंडिचर सर लास्ट और खासकर जो हमारे दिव्यांग क्रिकेटर्स हैं उन सबके लिए क्या व्यवस्था रहेगी, कोविड को ध्यान में रखते हुए कुछ एसओपी और प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं जिसको ध्यान में रखकर तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही साथ प्रत्येक बूथ पर जो है वो पोलिंग पार्टीज के अलावा एक हेल्थ पर्सन रहेंगे, या तो सैया या फिर आंगनबाड़ी सेविका जैसा भी होगा, वो थर्मल स्कैनिंग का उपस्थित रहेंगे ताकि जो भी लोग वहाँ कतारबद्ध में जितने भी डॉक्टर्स आए उन सभी को थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही उनको अगर वो स्वस्थ पाए जाते हैं तभी उनको वोटिंग के लिए अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा नामांकन जो है वो 20 तारीख से नोटिफिकेशन के बाद शुरू हो जाएगा और आपको बता ही दिया गया है और तैयारी जो है वो अपने सभी कोषांग सक्रिय हो गए और तैयारी की जा रही है। सभी कोषांग में जितने भी हमारे ऑफिसर्स और कर्मी लोग हैं उन सभी लोगों को आई कार्ड दिया जाएगा। सभी को मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था भी जगह दी जाएगी, जहाँ पे ईवीएम कमिश्नर की जांच जहाँ डिस्पैच किए जाएंगे प्रत्येक बूथ पर भी इसकी व्यवस्था की।